नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा निर्मित परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिपकर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह / जिमी / राकेश राजपाल। ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी। विक्रम के रूप में मोहनीश बहल। दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में। श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में। सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति। पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में। गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति। कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू। गर्ग के रूप में शरद सक्सेना। सतीश साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में। देवा सिंह के रूप में अमृतपाल। शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी। पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में। कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ। कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती। किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन। असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी। अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में। सुहास कोड़ के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से। इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया। इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त। इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक। इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम। इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे। इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं।
गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे, इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 चांद और पिया, इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा, इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में, जय सिंह ओब्लिक जिमी ओब्लिक राकेश राजपाल। ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी। विक्रम के रूप में मोहनीश बहल। दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में। श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में। सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति। पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में। गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति। कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू। टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू। गर्ग के रूप में शरद सक्सेना। सतीश शाह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में। देवा सिंह के रूप में अमृतपाल। शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी। पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में। कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ। कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती। किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन। असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी। अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में। सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत।
गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी,
पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास खोड़के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित, ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिपकर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल। ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी। विक्रम के रूप में मोहनीश बहल। दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में।
श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू, टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सतीश साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे, गर्ग का दाहिना हाथ कस्तूरी लाल, शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास कोड़ के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के
सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिपकर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू, टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल,
शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं, उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ओब्लिक जिमी ओब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सतीश शाह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं, गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं, गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर 8 चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा, धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता
सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित उमेश मेहरा द्वारा निर्मित परवेश सी मेहरा अभिनीत सैफ अली खान ममता कुलकर्णी मोहनीश बहल शर्मिला टैगोर सईद जाफरी कादर खान छायांकन गंगू राम से संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993 कार्यकारी समय 154 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी विक्रम के रूप में मोहनीश बहल दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू गर्ग के रूप में शरद सक्सेना सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में सुहास खोड़के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में गीत संगीत गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है
लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना, सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह, ओब्लिक जिमी ओब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सतीश शाह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा, इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास खोड़के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत। गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया, इस गाने को
उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3, आज अभी इसी वक्त, इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4, मैं हूँ आशिक, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5, ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6, जय जगदीश हरे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7, अमर मेरे सुहाग रहे, इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8, चांद और पिया, इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9, सूरत मूरत से धोखा, इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10, ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं, उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना, सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सतीश साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ,
कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में सुहास खोड़के, रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में गीत संगीत। गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह / जिमी / राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति,
पंकज धीर, ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू, टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास खोड़के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं, गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं, गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है, गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा, धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं, उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना, सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ओब्लिक जिमी ओब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू, टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सतीश शाह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से।
संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल। ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी। विक्रम के रूप में मोहनीश बहल। दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में। श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में। सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति। पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में। गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति। कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू। टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू। गर्ग के रूप में शरद सक्सेना। सतीश साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में। देवा सिंह के रूप में अमृतपाल। शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी। पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में। कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ। कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती। किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन। असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी। अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में। सुहास कोड़ के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ
फिल्म फेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित, ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित, ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में, जय सिंह ओब्लिक जिमी ओब्लिक राकेश राजपाल। ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी। विक्रम के रूप में मोहनीश बहल। दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में। श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में। सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति। पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में। गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति। कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू। गर्ग के रूप में शरद सक्सेना। सती शाह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में। देवा सिंह के रूप में अमृतपाल। शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी। पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में। कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे, गर्ग का दाहिना हाथ। कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती। किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन। असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी। अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में। सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना। सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास खोड़के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत। गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा, इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स, रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं, उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिपकर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सतीश साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया, इस गाने को
उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3, आज अभी इसी वक्त, इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4, मैं हूँ आशिक, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5, ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6, जय जगदीश हरे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7, अमर मेरे सुहाग रहे, इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8, चांद और पिया, इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9, सूरत मूरत से धोखा, इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10, ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा, अभिनीत सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान, छायांकन गंगू राम से, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना, सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह / जिमी / राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू के रूप में राकेश वेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की मां और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे, गर्ग का दाहिना हाथ,
कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में सुहास खोड़के, रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल। ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी। विक्रम के रूप में मोहनीश बहल। दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में। श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में। सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति।
पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू, टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती शाह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास खोड़के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में, गीत संगीत। गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित, ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना, सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल, ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी, विक्रम के रूप में मोहनीश बहल, दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल, टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में, श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर, दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में, सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति, पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में, गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति, कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू, टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू, गर्ग के रूप में शरद सक्सेना, सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में, देवा सिंह के रूप में अमृतपाल, शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह, विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी, पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ, कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती, किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन, असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी, अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में, सुहास खोड़के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत, गाना नंबर एक सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर छः जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर सात अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको आशिक आवारा मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आशिक आवारा। आशिक आवारा उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित 1993 की एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें नवोदित अभिनेता सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने खान और कुलकर्णी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार और लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार क्रमशः जीता। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित, उमेश मेहरा द्वारा निर्मित, परवेश सी मेहरा अभिनीत, सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बहल, शर्मिला टैगोर, सईद जाफरी, कादर खान। छायांकन गंगू राम से।
संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा वितरित ईगल फिल्म्स और वेस्टर्न कंपोनेंट्स। रिलीज की तारीख 28 मई 1993। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डाकुओं के हाथों एक युवा टैक्सी चालक और उसकी पत्नी एक संगीत शिक्षक मर रहे हैं। उनका बेटा जय सैफ अली खान धोखेबाजों से संपर्क करने के बाद धोखे के कारण अनाड़ी रहता है, लेकिन एक बड़े तस्कर के सोने के माल पर छापा मारने की कोशिश में जय को पुलिस और डाकुओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिप कर वह अपने पिता को बचाते हुए एक आदमी के घर में घुस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जय घर के मालिक की बेटी की मंगेतर का रूप धारण कर लेता है, जो USA से आई थी। ढालना सैफ अली खान जयदेव के रूप में जय सिंह ऑब्लिक जिमी ऑब्लिक राकेश राजपाल। ज्योति के रूप में ममता कुलकर्णी। विक्रम के रूप में मोहनीश बहल। दिलीप सिंह के रूप में नवीन निश्चल टैक्सी ड्राइवर एक कैमियो भूमिका में। श्रीमती सिंह के रूप में शर्मिला टैगोर दिलीप की पत्नी एक कैमियो भूमिका में। सईद जाफरी केदारनाथ के रूप में दादा ज्योति। पंकज धीर ज्योति के पिता रणवीर के रूप में। गायत्री के रूप में रीता भादुड़ी माँ ज्योति। कादर खान जग्गू के रूप में पिता टुन्नू। टुन्नू के रूप में राकेश बेदी पुत्र जग्गू। गर्ग के रूप में शरद सक्सेना। सती साह पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के रूप में। देवा सिंह के रूप में अमृतपाल। शीला के रूप में अर्चना पूरन सिंह विक्रम की माँ और देवा सिंह की पत्नी। पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ के अधीन घनश्याम नायक पुलिस कांस्टेबल के रूप में। कस्तूरी के रूप में बिजू खोटे गर्ग का दाहिना हाथ। कस्तूरी लाल शीला भाई के रूप में मलय चक्रवर्ती। किलम में बैड वूमन के रूप में गुड्डी मारुति। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रवि पटवर्धन। असली राकेश राजपाल के रूप में विवेक बासवानी। अमरनाथ मुखर्जी मंत्री देशमुख के रूप में सुहास कोड के रणवीर के बचाव पक्ष के वकील के रूप में। गीत संगीत गाना नंबर 1 सात सुरों के संगम से इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मैंने प्यार कर लिया इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 आज अभी इसी वक्त इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं हूँ आशिक इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने के गायकार उदित नारायण हैं। गाना नंबर 6 जय जगदीश हरे इस गाने के गायकार विनोद राठौर और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 7 अमर मेरे सुहाग रहे इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 चांद और पिया इस गाने को साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 सूरत मूरत से धोखा इस गाने को विनोद राठौर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 ओ सनम तेरे आशिक हैं हम इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।